दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जिंदगी और राजनीति का ना 1% भरोसा नहीं कर सकते। कब बदल जाए किसे पता। आज से 3 महीने पहले ये चुनाव डंडील माना जा रहा था। बस इसी बात पर बहस हो रही थी कि बीजेपी कितनी सीटें लाती है, 300, 300 प्लस या फिर 400। और अब बात इस बहस पर आज पहुंची है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से कितने दूर रह पाती है। 200 लाती है, 220 लाती है, 250 लाती है, या फिर कहीं 250 से के आसपास आकर ही सिमट जाती है। इसे कहते हैं एक ऐसा चुनाव जो इतना कंफ्यूजिंग चुनाव है, जिसमें हर कोई ये कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब छठे चरण के आते आते बहुत कुछ समझ में आने लगा है। दोस्तों, 80% सीटों पर लगभग पांचवें चरण के साथ ही मतदान हो गया, और अब कल जिन सीटों पर मतदान होना है वो सीटें कैसे बीजेपी के लिए बहुत बड़ी टेंशन देने वाली हैं, कैसे ये चरण का मतदान बीजेपी के लिए भारी मुसीबत लाने वाला है या फिर ला चुका है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, जो 58 सीटों पर कल छठे चरण की वोटिंग के दिन लोग वोट करेंगे, अपने उम्मीदवार चुनेंगे, दरअसल इन 58 सीटों में से 40 सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी। मतलब आप कह सकते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस किया था। तो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को बीजेपी के लिए दोहराना इसीलिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हर राज्य में जहाँ जहाँ बीजेपी ने बेस्ट परफॉर्म किया था ना, हर राज्य में कोई ना कोई संकट उसके सामने खड़ा हो गया है। जैसे हम दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर कल चुनाव होने हैं, और दिल्ली में बीजेपी के जो सबसे बड़े संकट हैं वो है अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में भी, कि उनका सबसे बुरा ख्वाब सच हो सकता है। और ठीक चुनाव में सुप्रीम कोर्ट केवल चुनाव में प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे देगा। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपने संगठन में ऊर्जा भर रहे हैं, वो अगले 6 महीने तक भी अंदर रहते हैं तो उनका संगठन उनके मैसेज जमीन तक पहुंचा रहा है। अरविंद केजरीवाल का एक और रूप दोस्तों इस बार हमें देखने को मिला है। ना केवल उन्होंने दिल्ली में और पंजाब में अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया, बल्कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार किया। जैसे कन्हैया कुमार के लिए प्रचार किया, कांग्रेस के जो दूसरे 3 उम्मीदवार थे उनके लिए भी प्रचार किया। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र तक चले गए और उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए भी वोट मांगा। तो एक अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल एक नया रूप देखने को मिल रहा है, जिसमें वो गठबंधन के साथ बहुत ही सामंजस्य, इंडिया गठबंधन के साथ सामंजस्य बिठाते दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ही उस पहले नेता है भारतीय राजनीति में जिनको ये श्रेय जाता है जो उस बहस को मेन स्ट्रीम में ले आए जिस बहस की बस चर्चा हो रही थी। एक, क्या पीएम मोदी अगले साल रिटायर हो जाएंगे? दो, क्या 2024 के चुनाव में अगर मोदी जी एक बार फिर से पीएम बन गए तो 2-3 महीने में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की राजनीति को खत्म कर दिया जाएगा, उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा, उनके सीएम पद से उनको हटा दिया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल का बाहर आना ना केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली के बाहर भी बीजेपी के लिए एक सेंटिमेंट खराब करता हुआ दिखाई दिया। हुआ ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने इस बीच दिल्ली में कई रैलियां की, और दिल्ली में रैलियां करते हुए वो अरविंद केजरीवाल को जितनी बार निशाने पर ले रहे थे, अरविंद केजरीवाल का कद उतना बढ़ रहा था। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है जिनकी पार्टी की केवल 2 राज्यों में सरकार है, पंजाब और दिल्ली। इसके अलावा उनका वोट शेयर कई राज्यों में थोड़ा थोड़ा रहा जब वो चुनाव लड़े, लेकिन एक ऐसी पार्टी जिनकी जुम्मा जुम्मा 2 ही राज्यों में सरकार है, उनके मुखिया को पीएम मोदी लगातार अपने भाषणों में निशाने पर ले, तो उनका कद तो बढ़ना ही था। तो आप कह सकते हैं कि 2019 में जो 7 की 7 सीटों में क्लीन स्वीप की थी बीजेपी ने, वहां स्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। जानकार तो यहां तक कहते हैं कि कम से कम 3 सीटों में क्लोज फाइट है, और कम से कम मिनिमम मैं आपको बता रही हूं 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन बीजेपी के खाते से छठे चरण के चुनाव में दिल्ली के अंदर छीन सकता है। इस बीच योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में बीजेपी की मुश्किल बढ़ाते हुए कह दिया, चुनाव शुरू हुआ था 400 पार के नारे के साथ, लेकिन वो गुब्बारा फट चुका है। जब चुनाव शुरू हुआ था मुझे लगा था कि क्या वाकई में बीजेपी को 275 के आसपास रोकना मुमकिन है, क्योंकि विपक्ष में वो दम नहीं दिख रहा था। लेकिन चुनाव आगे बढ़ते बढ़ते मैंने देखा कि बीजेपी नीचे जा रही है। मेरे पास एग्जिट पोल करने का कोई संसाधन नहीं, लेकिन मेरा आकलन कहता है कि बीजेपी 240 से 250 से आगे नहीं बढ़ पाएगी। बीजेपी दक्षिण के उन राज्यों में अपना वोट शेयर बढ़ाएगी जहां उसने 2019 में कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन ये भी निश्चित है कि जिन राज्यों में बीजेपी बेहतरीन कर चुकी है वहां उसके नतीजे गिरने के अलावा कोई विकल्प नहीं। जैसे अगर मान भी लें कि बीजेपी तमिलनाडु और केरल में चमत्कार करके 10 सीट ले भी आती है, तो उसे 10 सीटों का नुकसान तो कर्नाटक में हो ही रहा है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं उस राज्य की बारे में बात करते हुए जहां पर बीजेपी
के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मैं लगातार कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, और मेरे बाद अब मुझे देखा देखी बहुत से और लोग भी कहने लगे कि हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर एंटी बीजेपी लहर चल रही है उत्तर भारत के अंदर। इस बात पर वोट पड़ने वाला है कि बीजेपी को कौन हराएगा, मतलब बीजेपी को लेकर इतनी नाराजगी किसी भी राज्य में नहीं, और इसके लिए कोई एक मुद्दा जिम्मेदार नहीं, लगातार कई मुद्दे जिम्मेदार हैं। और ये केवल मैं नहीं कह रही हूँ, बड़े बड़े अखबारों में छपने लगाए, जैसे देखिए दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट छापी है, हरियाणा में कांग्रेस को 2 से 3 सीटों पर बढ़त, बीजेपी 7 सीटों पर आगे, रिजल्ट भी चौंका भी सकता है, जाट किसानों का फैक्टर। अब जब अखबार वाले ये छापने लगे कि कांग्रेस 2 से 3 सीटों में बढ़त पे है, तो आप कम बोला ज़्यादा समझे वाले हालात को यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज तक ने भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही छापा है यहाँ पर, देखिए, जमीनी हकीकत बता रही, क्लीन स्वीप नहीं, क्यों बीजेपी के लिए इस बार टफ फाइट हरियाणा में। हरियाणा में टफ फाइट किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं है दोस्तों, हरियाणा में टफ फाइट लगातार मुसलसल कई मुद्दों की वजह से बीजेपी के लिए खड़ी हुई। किसान आंदोलन को दरकिनार करना, किसानों को लेकर लगातार जिस तरह की बयानबाजी की गई, जब करीब 1 साल तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, ये जानती थी बीजेपी कि डबल इंजन की सरकार हरियाणा में उसकी चल रही है, ये जानती थी बीजेपी कि केवल पंजाब के किसान उस किसान आंदोलन में शामिल नहीं है, उस किसान आंदोलन में किसानों के लिए दूध दही आ रहा है तो हरियाणा के किसानों के यहाँ से आ रहा है, हरियाणा के किसान भी बड़े स्तर पर वहाँ पर शामिल थे। जाटों की नाराजगी तब से ही लगातार बीजेपी से बढ़ी, जिस तरह से 10 साल बीजेपी ने सरकार चलाई हरियाणा में गैर जाट वाली राजनीति करते हुए, उससे जाटों की राजनीति, जो जाटों का गुस्सा था वो और बड़े स्तर पर बढ़ा। और इस बीच दोस्तों हरियाणा के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो आप कर्नाटक से मिलता जुलता देख सकते हैं, गुटबाजी तो दोनों ही राज्यों में है, हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में गुटबाजी है, लेकिन कांग्रेस काफी हद तक अपनी गुटबाजी को सतह में ना लाने में कामयाब रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस तरह से एक फ्री हैंड के तौर पर दिया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस तरह से टिकट वितरण में भी उनको तरजीह दी गई, ये एक तरह से जाटों के बीच एक मैसेजिंग का काम कर रहा था जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार काम करती रही। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर साफ स्टैंड क्लियर है, 50% वो आबादी पर फोकस कर रही है, 50% आबादी में जाट भी आते हैं, दलित भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। कांग्रेस ये चाहती है जाट, दलित और मुस्लिम का अगर गठजोड़ बैठ जाए तो उसको यहाँ बड़ी सफलता मिल सकती है। मुद्दे बहुत से हैं दोस्तों किसान आंदोलन के साथ साथ, मुझे लगता है हरियाणा में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है हरियाणा की जाट बेटी पहलवान बेटियों का दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद के खिलाफ बैठना, और इस मामले में बीजेपी की चुप्पी, और इस मामले में करीब 2-2.5 महीने तक कुछ भी ना करना, मुझे लगता है ये एक बहुत ही तगड़ा सेंटिमेंट है जिसकी वजह से जाट नाराज हैं। आप जाटों की नाराजगी का इस लेवल पर फायदा उठा लीजिए कि जेजेपी जिसने 4 साल सरकार चलाई हरियाणा में बीजेपी के साथ, आज जेजेपी का कोई नेता गाँव चले जाता है या प्रचार के लिए इस बीच गया चुनाव में, तो लोगों ने उनको भी दौड़ा दौड़ा कर मतलब वहां से भगा दिया, तो बीजेपी नेताओं की स्थितियां तो क्या ही होंगी। हालत यह है कि खुद मोदी जी को भरोसा नहीं है कि उनके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनको चुनाव जितवा सकते हैं, तो मोदी जी ने उनको ठीक चुनाव से पहले पद से हटा दिया, पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी। तो ये भी एक सेंटिमेंट है कि ये सब गुजरात जैसे राज्यों में होता रहा है, तो गुजरात के लोगों को आदत है, 2014 के बाद से अब तक गुजरात रिमोट कंट्रोल से चल रहा है क्योंकि मोदी जी गुजरात से आते हैं, लेकिन हरियाणा में लोगों का मिजाज इस तरह का नहीं है कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री को पसंद करें जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि वो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री हैं या फिर वो कोई बहुत जिताऊ मुख्यमंत्री नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यूपी की 14 सीटों पर भी वोटिंग होनी है, इसमें बहुत सी सीटें बहुत दिलचस्प है। आजमगढ़ में बहुत क्लोज फाइट बताई जा रही है, भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ यहाँ से मौजूदा सांसद है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव उनको टक्कर दे रहे हैं और इस बार काफ़ी बढ़िया चुनाव वो लड़ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि धर्मेंद्र यादव जो कि 2022 में इस सीट में उपचुनाव हारे थे निरहुआ से, वो कहीं निरहुआ से ये सीट छीन न ले। इसके अलावा सुल्तानपुर से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, जिनके लिए एन वक्त में वरुण गांधी ने प्रचार भी किया था, हालांकि मेनका गांधी की सीट काफ़ी हद तक सेफ मानी जा रही है। मेनका गांधी के लिए तो ये कहा जाता है कि अगर वो बीजेपी के टिकट से चुनाव ना भी लड़ें तो बड़ी आसानी से जीत जाएंगी वो, क्योंकि उनका बहुत प्रभाव है अपने इलाके में, उन्होंने बहुत काम किया है। दोस्तों राजा भैया फैक्टर भी बीजेपी के लिए परेशानी बन सकता है, क्योंकि एन चुनाव में राजा भैया ने जिस तरह से खुलकर तो नहीं बोला लेकिन बीजेपी को लेकर एक नाराजगी वाला फैक्टर देखने को मिला, और उन्होंने अपने वो जो समर्थक हैं उनको
फ्री हैंड दे दिया, खुली छूट दे दी कि आपका जिसका मन करे उसको समर्थन कर दीजिए। तो एक तरह से उनके समर्थकों ने उसको एक मैसेज के तौर पर ले लिया कि राजा भैया समाजवादी पार्टी का समर्थन करने को कह रहे हैं। और एक और बात दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो ठीक चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद देना हो या फिर अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया, तो उनके लिए भी ये चरण जो है वो एक कसौटी है जिसमें उनको खरा उतरना होगा, ये दिखाना होगा कि क्या वो अपने दम पर सीटें निकाल सकते हैं। तो महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तर प्रदेश में भी, इसीलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तक जिस तरह का वोटिंग पैटर्न देखने को मिला है वो बहुत उत्साह देने वाला नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उम्मीद थी कि वो राम लहर के बाद 80 सीटों में अपना 2019 का परफॉर्मेंस और बढ़ाएगी, अब उसके आगे ये संकट है कि 2019 के परफॉर्मेंस से वो कितनी सीटें बचा पाती हैं। आप सोचिए उत्तर प्रदेश में ये हालत है तो देश के बाकी राज्यों में क्या स्थिति होगी। इसीलिए छठे चरण के मतदान के बाद लगभग स्थिति साफ हो जाएगी कि हिंदी पट्टी में स्थितियाँ कितनी खराब बीजेपी के लिए रही और इंडिया गठबंधन के लिए कितनी सही रही। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।